महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले के जन्मदिन के अवसर पर चेंबूर माहुल वार्ड 155 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र माहुलकर और पूर्व नगर सेविका सीमा माहुलकर के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर के दौरान विभिन्न पक्ष के कई लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। माहुल महाड़ा बिल्डिंग क्रमांक 10 में संपन्न हुए इस रक्तदान शिविर और पक्ष प्रवेश के दौरान पूर्व विधायक मधु चौहान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हुकुमराज मेहता, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संयोजन समाज सेवक राजेंद्र नगराले ने किया। कांग्रेस के हमारे मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी ने ऐलान किया था, जब मुंबई शहर के अंदर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐलान किया कि आप आपके रक्तदान शिविर लगाओ और हमारे ब्लड बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में रक्तदान शिविर लगाओ, 10,000 बॉटल यूनिट्स जमा करके हम लोग अपने रक्त पीढ़ी को दे देंगे। और वही काम आज हमारी कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, यहाँ के हमारे अध्यक्ष हुकुमराज मेहता है, कार्याध्यक्ष हमारे कोठारी जी है, बाकी के हमारे माहुलकर जी है, हमारे नागराड़े हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। हमारे 7,500 बॉटल्स अभी गए, 2,500 बाकी है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम ब्लड डोनेशन करने को तैयार है लेकिन महापालिका के हॉस्पिटल में, सरकार के हॉस्पिटल में वो रखने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि अभी ज़्यादा रक्तदान शिविर लेना नहीं, हफ्ते में एक आध रक्तदान शिविर लेना और जिस हॉस्पिटल में लगेगा उस हॉस्पिटल में हम उसको भेज देंगे। तो यही काम अभी चला है और मैं समझता हूँ कि कोरोना हटाने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। आपको एक बात बोलूँ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के हर कोने में कांग्रेस पार्टी है और लोगों को ये महसूस हो गया, मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस में एक ऐसी सरकार है जो स्थिर सरकार दे सकती है, जो देश की आर्थिक नीतियों के ऊपर चल सकती है, लोगों को सबको साथ लेके चल सकती है, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चल सकती है और कांग्रेस के सिवाय इस देश का कोई विकल्प नहीं है, ये लोगों को अभी महसूस हो गया है। इसके बहुत सारे कार्यकर्ता आज सामने से फोन करके हमको कह रहे, तो उनको हम लोगों ने बताया कि आप इधर ये मौके पर आ जाओ और सब लोग कांग्रेस में शामिल हो जाओ। हाँ, राजन माहुलकर जी ने हमने बताया माहुलकर साहब को कि आप इधर प्रोग्राम लो और ये प्रोग्राम में अपन लोग सबको कांग्रेस में शामिल करेंगे। आप सबको मालूम है कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रक्तदान शिविर का मुहिम भाई जगताप जी के और सप्रा जी, नाना पटोले जी, हांडवरे साहब के आदेश से, हमारे हुकमराज जी के आदेश से, मधु चौहान जी के आदेश से जो एक मुहिम 10,000 बॉटल का हम कांग्रेस मुंबई कांग्रेस की तरफ से एक बीएमसी को देने का जो एक मुहिम चालू हुआ था उसमें ये आज नाना पटोले जी का जन्मदिन भी है कल और उसके उपलक्ष में यहाँ पर हमारे राजेंद्र माहुलकर जी ने एक बहुत बड़ा भव्य रक्तदान शिविर आज यहाँ पर आयोजन किया है और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं। लोग रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है और इसके अवसर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी में हजारों लोग प्रवेश भी कर रहे हैं और हमारे माहुलकर जी के आने से कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मजबूती चेंबूर में मिली है और आने वाले समय में ये मजबूती कांग्रेस की महानगर पालिका में भी दिखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ पर आ सकेगी, ऐसा में मुझे पूरा आश्वस्त होता है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी, लोगों का सेवा करने का काम करेगी। धन्यवाद। बहुत खुशी की खबर है हम लोग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और आज नाना पाटोले जी का जन्मदिन पर अवसर पर यहाँ पे जो रक्तदान शिविर मुंबई कांग्रेस और चंद्रकांत हांडोरे जी के नेतृत्व में यहाँ पे लिया है और चालू है अभी तक। और जिस अवसर पर हम लोग मनसे के जो बहुत सारे 60-70 फैमिली है वो प्रवेश भी किया है इसमें, तो हम उसका स्वागत भी करते कांग्रेस के वती से। अभी तो 50 के ऊपर गया शायद, है ना? हाँ, अभी चालू है, आगे और
आएंगे लोग और करते रहेंगे। मी सर्वप्रथम आज शिवराज्याभिषेक दिवस आहे, सर्व महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा असा शिवराज्याभिषेक दिवस आहे, त्याच्या प्रथम शुभेच्छा देतो। हे मुळात रक्तदान शिबिर जे घेतलेलं आहे ते महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त, तसेच कोरोनानिमित्त, कोरोनाचा जी महामारी आली आहे, लोकांना हॉस्पिटलमध्ये रक्ताचा तुटवडा पडू शकतो म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आदरणीय काँग्रेस पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, तसेच कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा यांच्या आदेशाने, तसेच माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे साहेब, तसेच माजी नगरसेविका सीमाताई राजेंद्र माऊलकर यांच्या सौजन्याने आज हे रक्तदान शिबिर आम्ही इथे आयोजित केलेलं आहे। आणि या रक्तदान शिबिरासाठी हुकुमराज मेहता कोठारीजी, मधुकर चव्हाणजी, संगीताताई हंडोरेजी आणि इतर सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी आले। परंतु एक आज मोठा मेसेज आहे, ज्या वेळेला देश पारतंत्र्यात होता, म्हणजे इंग्रजांच्या गुलामीत होता, त्यावेळेला सुभाषचंद्र बोस यांनी एक ब्रीदवाक्य काढलेलं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आणि पुन्हा एकदा आता भारत स्वतंत्रचा झालाय, परंतु इंग्रजांनी आपल्याला सोडून गेलं, पण दुसऱ्या इंग्रजांसारखेच एक जे केंद्र शासन आहे ते आपल्या डोक्यावर येऊन बसले। बेरोजगारी, अस्वच्छता, लोकांचे ह्या आधारामध्ये मोठे होत असलेले हाल, ह्या सर्वांपासून द सूट पाहिजे असेल तर आत्ता आम्ही पुन्हा तेच सुभाषचंद्राचं वाक्य आम्ही इथे हे करतो की भरपूर आता मुलं तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हां, आम्ही आजादी देणार, काँग्रेस पक्ष आजादी देणार। आजादी कशामधून देणार? तर अस्वच्छतेमुळे, मुलांची बेरोजगारी आहे, अराजकता माजलेली आहे, ह्या सर्वातून काँग्रेस आजादी देते। आणि याचंच सगळं ध्येय लक्षात डोळ्यासमोर ठेवून राजेंद्र माऊलकर यांचं धडाडीचं नेतृत्व लक्षात ठेवून इथले भरपूर इतर पक्षांचे सर्व कार्यकर्ते, आज कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे ऑफिशियली पक्षप्रवेश झालेला नाही, परंतु आज हे सर्व मुलं काँग्रेस पक्षामध्ये मोठ्या जोमाने, प्रथम असं होत असेल की रक्त देऊन कोणतरी तरुण मुलं काँग्रेसकडे आकर्षित होत आहेत आणि रक्त देऊन हे काँग्रेस पक्षात सहभागी झालेले आहेत। या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, तसेच काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पूर्ण चेंबूर विभागामध्ये आणि मुंबईमध्ये सर्व चांगली टीम करून लोकांना चांगलं जीवन देता येईल याचं आम्ही ध्येय डोळ्यासमोर ठेवलं आहे। सायन हॉस्पिटलचं जे युनिट आलं इथे त्यांचं देखील आम्ही आभार मानतो आपल्या माध्यमातून आणि तुमचं देखील आभार मानतो। आणि मोठ्या प्रमाणे आज रक्तदान शिबिर होतं आणि लोकांची सेवा करायची संधी अशीच आम्हाला मिळू दे, एवढे आम्ही देवाजवळ प्रार्थना करतो। प्रथम नमस्कार करतो सगळ्यांना, कारण की जे आम्ही सगळ्या टीमने आज रक्तदान शिबिराचा विचार केला होता आणि राजेंद्र माऊलकर साहेबांना आम्ही म्हणालो की साहेब आम्हाला रक्तदान शिबिर द्यायचं, त्यांनी एका दिवसातच त्या सगळ्या गोष्टी अरेंज करून आम्हाला दिल्यात, त्यांच्याबद्दल आम्ही खूप राजेंद्र माऊलकरांचे खूप आभारी आहे। आणि त्यांचं काम बघून आज आम्ही इतर पक्षातून सगळी पोरं काँग्रेस पक्षामध्ये सहभागी झालो आहे आणि मी त्यांचं खूप आभार मानतो आणि त्यांना माझ्या टीमकडून पूर्ण धन्यवाद देतो। प्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुद्रा, भगवान गौतम बुद्धांच्या भावपूर्ण म्हणजे आदरांजली, तसेच माझ्या जे हे सहकारी आहेत त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणे मला सहकार्य केलं, तसेच सायनवरून जी टीम आले त्यांनी पण खूप चांगलं सहकार्य केलं। तसं सर्वप्रथम राजेंद्र माऊलकर साहेबांचे आम्ही आभार मानतो, कारण की त्यांनी आम्हाला 2 या 3च दिवसात मे बी ब्लड डोनेशन ठेवायचं आहे असा आमचा विचार होता आणि त्यांनी आम्हाला त्या गोष्टी अवेलेबल करून दिल्या, त्याच्याबद्दल त्यांचा आभार। तसेच काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी त्यांचे पण आभार आणि माझ्या टीमला, म्हणजे आम्ही जे काम करतो आहे आम्हाला अजून जे काम करण्याची त्यांनी ताकद द्यावी, म्हणजे प्रोत्साहित करावं, हीच त्यांच्या चरणी त्यांना एक विनंती आहे। आम्ही मनसेमध्ये काम करत होतो, आम्हाला राजेंद्र माऊलकर साहेब आम्हाला भेटले, नंतर आमचे जे माझे सहकारी आहेत सुशांत साहेब आहेत, नितेश आहेत, हे लोकांनी आम्हाला म्हणजे भरपूर प्रत्येकाला सपोर्ट केलेला आहे आणि आम्हाला असे नेते भेटले म्हणजे आम्हाला माऊल गावामध्ये इथे काहीतरी विकास करायचा आहे, त्यासाठी आम्ही या पक्षामध्ये राजेंद्र माऊलकरांच्या सान्निध्यात आम्ही काम करणार आहोत। धन्यवाद। कैमरा मैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।